बच्चों, द्विघात समीकरण के हम दूसरे लेक्चर में हैं और पहला क्वेश्चन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो के हल समुच्चय होंगे। कहने मतलब फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, फोर एक्स स्क्वायर ये माइनस वन है तो उधर जाएगा प्लस वन हो गया फोर, और एक्स स्क्वायर बराबर वन बाय फोर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा तो प्लस माइनस वन बाय फोर, रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस वन बाय टू। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस कहाँ है, तो देखिए प्लस एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, ठीक तो ए नंबर ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस छ बराबर जीरो का विवेचक है। इसका मतलब डी पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस छ बराबर जीरो, तो ए बराबर एक, बी बराबर माइनस फाइव, सी बराबर छ, तो डी बराबर क्या होता है विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी का मान यहाँ क्या है माइनस पाँच होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान क्या है एक कुछ ना एक, और सी का मान क्या है छः, तो पचे पच्चीस छः छके चौबीस, तो पच्चीस में चौबीस ज्ञात क्या हो गया एक, तो ए नंबर ऑप्शन है ठीक है। दूसरा कह द्विघात समीकरण फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूलों की प्राकृति क्या होगा। तो हम अगले पहले वाला वीडियो पार्ट वन में हम बताए थे कि मूलों की प्राकृति कब होती है, मूलों की प्राकृति कब होती है। तो देखिए चेक कीजिए फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस बराबर प्लस एक, ठीक बराबर जीरो, ए बराबर चार, बी बराबर चार, सी बराबर एक। चेक कीजिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, बी का मान यहाँ क्या है चार ए स्क्वायर, और एक मान क्या है चार, और सी मान क्या है एक, चार चक सोलह और चार चक सोलह, तो सोलह में सोलह घटेगा जी जीरो हो गया, तो यहाँ डी बराबर क्या हो गया जीरो। जब डी बराबर जीरो निकलेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, ए नंबर भी इसका ऑप्शन है। ओहो हो सॉरी और समान लिखा हुआ था ना, वास्तविक और बराबर होंगे, क्या होगा वास्तविक और बराबर, अगर डी का मान जीरो होगा तो क्या होगा मूल वास्तविक और बराबर होंगे ठीक। चार नंबर देखिए, चार नंबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूलों की प्राकृति क्या होगी, फिर वही पूछ रहा है कि मूलों की प्राकृति क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ए बराबर एक, बी बराबर चार, सी बराबर एक, यहाँ कुछ है एक और यहाँ बी मान क्या सी मान एक, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी मान क्या है चार स्क्वायर फोर, एक मान क्या है एक, सी मान क्या है एक, तो चार चक सोलह और चार का चार चार हो गया, तो सोलह में चार चला गया तो क्या हो गया बारह, चार चक सोलह चार चक सोलह चार गुना चार चक सोलह तो बारह। अब देखिए बारह निकला, बारह धनात्मक है मतलब जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अब भिन्न भी बोल सकते हैं, तो आपका आंसर ये पहला नंबर हो जाएंगे ठीक। पांच नंबर देखिए, पांच में क्या होगा द्विघात समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो के वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे कब, जब जीरो से छोटा होंगे डी, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, या बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा होंगे अगर डी
तो वह मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी नंबर है। ठीक, तो प्यारे बच्चों पोस्ट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। जितने भी वीडियो बता रहे हैं, जितने भी हिसाब बता रहे हैं, सारे हिसाब को प्रैक्टिस करते रहना और इसी टाइप का हिसाब आएगा, दूसरा आने वाला नहीं है, 100% गारंटी है। मेरा जितना शुरू से वीडियो है रियल नंबर से लेके अब तक मैं बताया, सब सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आसपास जो भी दोस्त हैं उसको भी शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा उसको सब्सक्राइब कर देने के लिए, क्योंकि हम टोटल सब्जेक्ट हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, हमारे वीडियो में बने रहना है। जय हिंद।